ओ ओ ओ ओ ओ भाई ओ भाई ओ भाई, दो आ गए, तीन आ गए भाई। अच्छा जी, ये माशाल्लाह, ओ भी बीवी, वाओ। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद शहजाद, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ब्रीडिंग वर्ल्ड फार्म्स। तो चलें जी, आप तो फीदर आ गए होंगे, जो हमारी कह लें कि हमने म्यूटेशन के अंडे फॉस्टर किए थे, बच्चे निकल आए थे चार, और फिर हमने उसका कह लें कि देखना था कि किस पैटर्न पे आ रहे हैं। तो मैं एक्साइटेड हूँ, ऑलरेडी एक ओ बी बीबी का बच्चा आया था पहले, तो इंशाल्लाह अब भी उम्मीद है कि ओ बी बीबी का बच्चा आना चाहिए। सेटिंग ख़राब हो रही है, चलो अंदर जाके करते हैं, क्योंकि ये हमारी छोटी कॉलोनी है। तो ये बंद कर दिया हमने, ये हो गया, ठीक है जी। तो अब देखते हैं तसल्ली से, क्योंकि और इसमें माशाल्लाह निकल चुके हैं बच्चे, चार हैं, एक फीड माशाल्लाह बहुत अच्छी कराई है, और वो वाले दो जो है ना, वो इजाबेल ऑरेंज के लगते हैं, या वो एक जो वाइट वाला सा नज़र आ रहा है, ये इजाबेल ऑरेंज का है, ठीक है। मैंने दो अंडे रखे थे, अब मुझे कंफर्म नहीं है वो वाला लास्ट वाला फीदर निकालता है नहीं, लेकिन ये जो वाइट वाइट नज़र आ रहा है ना, ये तो कन्फर्म है। अच्छा जी, ये हो गए हमारे माशाल्लाह। अच्छा जी, एक दो, एक दो तीन, क्योंकि पांच होने चाहिए। एक मैंने पता क्या हुआ, उधर ही कंडा था वो निकला था हमारा, बिल्कुल ठीक है जी। पहले तो ये वाला देखते हैं, एक बिस्मिल्लाह। ओ ओ ओ ओ ओ भाई ओ भाई ओ भाई, दो आ गए, तीन आ गए भाई। अच्छा जी, ये माशाल्लाह, ओ भी बीवी, वाओ। चार और पांच, दो अंदर ही हैं, ये ओ भी बीवी। चलो जी, ये वाला इधर निकले हैं कि नहीं, वाओ, ओ भी बीवी फीमेल आई थिंक। और ये वाला चुटकू, ओए तू तो उड़ता है, नहीं ये नॉर्मल अपने बाप पे होगा, नहीं ये ब्लैक ब्रेस्टेड है, ठीक हो गया जी। दो अभी और है, वो भी देख ही लेते हैं, क्योंकि एक मैंने उधर से उठाया था, छोटा था वो, ये वाला इसको फीड कराई हुई है, ये तो ऑरेंज टाइप लग रहा है, ये भी ओबी भी आएगा। अच्छा, एक जो है ना वो अपने बाप पे, तीन चार, लाइट बैक आ जाए यार तू भाई, ये डरता है, ये लाइट बैक अपने बाप पे है, वाह माशाल्लाह, क्वालिटी चेक करें जी, लाइट बैक अपने बाप पे। दो हैं, तीन आ गए और दो हुआ, चलें जी उनको हम करेंगे वापस, ताकि और ये तीन माशाल्लाह, तीन हमें वो भी आ जाएंगे। ओ बस बस, आजा आजा, ये ब्लैक ब्रेस्टेड है, बस बस बस, ठीक है जी, सारे हो गए, इन्होंने बाहर का सीन देख लिया हुआ है, और ये अपना छलांगे लगाया करेंगे बाहर। तो चलें जी, मैं बाहर निकलता हूँ,
और फिर आपको कहानी सुनाता हूँ कि पांचवा बेबी कहाँ से आया। जी तो हम बात कर रहे थे वो कि एक, क्योंकि चार वहाँ पे म्यूटेशन के थे तो वो एक बेबी आया कहाँ से। वो मैं जब ये मटकियाँ उतार रहा था ना, क्योंकि मैंने ऑलरेडी कह लें कि 10 पैर एक भाई ले गए हैं, बाकी ये 10 पैर बचे होंगे कॉमन में। ये पेंगुइन की फीमेल मैंने वापस इधर कर दिया क्योंकि ये सिंगल थी। आपको याद हो इधर तीन फीमेल थी और दो मेल थे, ठीक है, पेंगुइन के अब दो पैर हैं, इन दोनों ने बच्चे निकाल लिए थे। अब ये थर्ड क्या करती थी, ये उस मेल को जो ना तंग करती थी उसके साथ, और उसमें ये होता था कि मेल उस फीमेल के साथ लगा रहता था तो वो बच्चों को सही फीड नहीं कराता था। ये आपने पॉइंट नोट करना है कि बाज का तो इस तरह होता है, या तो पैर उस वक्त छोड़ें जब इनकी जो है ना अंडे बच्चे हों, अंडे देने के करीब हों, ठीक है। और जब ये अगर आपको इस तरह का कोई चीज़ नज़र आए कि मेल जो है वो अपनी फीमेल को छोड़कर दूसरी की तरफ इंटरेस्टेड है, तो मेल जो है ना वो फीडिंग कराना छोड़ देगा। देखें बच्चे जब निकल आते हैं तो फीमेल इतनी फीडिंग नहीं करवाती जितना मेल करवाता है। फीमेल जो है वो इंकोबेशन करती है ज़्यादा, 80% इंकोबेशन, 70-80% वो फीमेल की होती है और फीडिंग वो 70-80% मेल की होती है, और नेस्टिंग भी 70-80% मेल ही बनाता है। ये आपने ज़ेब्रा फिंच का नेचर ये है जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से ऑब्जर्व किया। तो हुआ क्या कि उस वजह से ये जो है ना करना इसने छोड़ दिया उसको फीड करवाना, तो मैंने थर्ड फीमेल को जो है ना इधर से निकाल के वापस मेन कॉलोनी में छोड़ दिया, और अब ये माशाल्लाह इन्होंने फीड सही तरीके से करवाई है। तो हम बात कर रहे थे कि वो वाला जो बच्चा है एक, वो कैसे आया। अच्छा आपको याद है हमने बहुत सारे फॉस्टर भी किए थे अंडे, इधर इक्का दुक्का आए थे लेकिन ज़्यादा हमने इधर किए थे। तो इसमें जब इक्का दुक्का जो थे ना उसमें से एक तो निकला है ये वाला जो आपके सामने है म्यूटेशन का ऑरेंज के का, ये फीमेल लग रही है मुझको ये वाली, ये देखिए जो कॉर्नर पे फर्स्ट है, ये अंडर साइज है, कॉमन से बड़ा है ये वाला जिसको मार रहा है, ये वाला दूसरा बच्चा, ये वाला नीचे आके बैठ गया है, मैं आपको दिखाऊँ तो ये ऊपर चला गया ये वाला, ठीक है। ये ऑरेंज का OBBB की फीमेल लग रही है मुझको, तो ये फीमेल निकलेगी, बहरहाल देखेंगे और मोल्ट जाएगा तो ये क्या है अपना सीन। बाज का तो आपकी जो है ना आपका आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हो कि फीमेल है लेकिन वो मेल निकल आता है, क्योंकि ऑरेंज के फीदर ज़रा ऑरेंज के जो है ना वो लेट निकलते हैं। खैर एक तो ये निकला है और इसके साथ एक इजाबेल भी थी, यहाँ पे एक बेबी इजाबेल का है, मैं अगर आप लोगों को दिखाऊं वो नीचे थर्ड में बैठा है ये वाला जो वाइट वाइट आपको नज़र आना ना, ये इजाबेल का है। आप उसके फीदर देखें बैक साइड से, यहाँ पे आपको ऑरेंज से नज़र आएंगे, तो ये इजाबेल का है। उसके बाद एक स्नो वाइट का निकला है, वो तो खैर हमने जो अंडे थे वो इधर वापस रखे थे, ये वाला जो है ये स्नो वाइट का बेबी है, इसकी चूंच जो है ना वो पिंक है देखा, और आंसू नहीं है, प्योर वाइट है। तो ये स्नो वाइट का है, ये पेंगुइन का बेबी है, क्योंकि हमने जब फॉस्टर किए थे तो उसके अंडे इधर मैंने इक्का दुक्का आगे पीछे कर दिए थे, ठीक है। और एक और वो निकला है, वो पता नहीं इजाबेल है या पास्टेल है, मुझे उसकी समझ नहीं आ रही, लेकिन साइज़ कॉमन ही है, पता नहीं वो लोकल में से निकला है क्या निकला है, ये कोई एक कलर जो है ना वो क्लेजी कलर नहीं होता जिस तरह का, उससे मिलता जुलता है और इजाबेल के अंदर है और डार्क हो गया ये अभी थोड़ा सा, क्योंकि मगरब का टाइम होने वाला है, थोड़ा सा लेट है तो इसलिए तो जो है ना कैमरा वो ब्लरी हो रहा है, और दूसरा ये कि कैमरा जो है ना वो डॉट्स ने नज़र आ रहे होंगे जब मैं उसको जूम करता हूँ। तो ये वाला बेबी है, खैर ये तो बड़ा होगा तो वो उस तरीके से। तो जब मैं मटकियाँ उतारने लगा ना तो मुझे अंदर लगा कि एक बेबी जो है ना वो म्यूटेशन का है। तो फिर वो बेबी मैंने जब मटकियाँ उतार ली, काफ़ी दो बेबी थे, एक बेबी म्यूटेशन का नहीं था, दूसरे पे मुझे हल्का शक था, और जिसका कंफर्म था कि ये म्यूटेशन है, क्योंकि 10 पेयर जो है ना वो एक भाई थे वो परचेज करके ले गए, तो अब उसके बाद 5 मैंने एक और दोस्त को भी दिए, लेकिन वो 10 ले गए, तो उसके ये हुआ कि अब मैंने मटकियाँ, अब मटकियों में बच्चे थे, तो वाली मटकी इधर थी उसके साथ उसमें बच्चे थे, तो वो 3 बच्चे थे, वो मैंने देखा कि अब क्या करूँ, तो ये जिन जो बचे थे ना कंफर्म करके मैंने इनको देखा कि यार इन्हीं के हैं, मैं देखता रहा कि कौन कौन से जो है ना इनको फीड करवाते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह लकीली ना वो सारे जो मटकियाँ में बच्चे थे ना वही वाले फादर मदर इधर ही रह गए अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की तरफ से। तो वो ले दो बच्चे मैंने एक रख दिया था जो प्योर मुझे कंफर्म था म्यूटेशन का, OBBB टाइप था, वो मैंने उनके साथ रख दिया,
चार वो थे, तो इस तरह वो पांचवा बच्चा आ गया। और एक और जो था मुझे फुल वो ब्लैक चिक ब्लैक ब्रस्ट लग रहा है, लेकिन वो फिर मैंने ये ऊपर वाली मटकी जहाँ पे ये वाइट बैठी है इसके अंदर रख दिया। खैर फीडिंग करवाई है मैंने आज उसको, चेक किया दो चार दफ़ा, तो फीडिंग उन्होंने करवाई हुई है। बहरहाल तो ये थी स्टोरी सारी इनके बारे में, बच्चों के बारे में। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब ये बच्चे सारे बाहर आ जाएंगे तो मैं ये मटकियाँ जो है ना वन बाय वन ये भी उतार दूंगा। और ये फ़िलहाल म्यूटेशन ऑरेंज के लिए ये कॉलोनी मैंने रखी है, लेकिन अभी जितने भी और म्यूटेशन के बच्चे आएंगे वो हम क्या करेंगे, वो इसके अंदर छोड़ेंगे। और गोल्डियन भी तो एक किस्म का ये फ्लाइंग केज हो जाएगा, और इसके अंदर फिर ये है कि बाद में हम बच्चों से जो अच्छी कह लें ऑरेंज की आएगी उसके साथ फिर हम ये कॉलोनी को आबाद कर देंगे। बाकी म्यूटेशन माशाल्लाह बहुत सारी हैं जो ऑलरेडी उन्होंने बिहेवियर शो करना शुरू कर दिया है, बल्कि दो तीन ने तो एगले भी कर दिए हैं। ये वाली देखें, ये दो एगले करके बैठी हुई है, अभी मेल अंदर बैठा है इंक्यूबेशन के लिए। ब्लैक फेस का मेल है और बीसीबीबी की फ़ीमेल है, वो जो लास्ट में बैठी है लाइट बैग में, ये वाली ये फ़ीमेल है इसके साथ। फिर ऊपर जाएँ तो हमारा ये ऊपर वाली टॉप फर्स्ट मटकी के अंदर भी कह लें कि ब्रीड आ चुकी है, वहाँ पे ऑरेंज की ओबीबीबी की फ़ीमेल है और लाइट बैग का मेल है। इसका भाई है ये वाला जो लाइट बैग बैठा है ना, ए अल्लाह भला करे, ये वाला, ये जो लाइट बैग बैठा है और इंग्लिश लाइन की फ़ीमेल के साथ है, ये ख़ुद भी इंग्लिश लाइन का है, इसका भाई है वो, उन्होंने भी एग ले कर दिए हैं। तो ये भी सारे पेयर बाउंड हो गए हैं, वो हैं तो बहुत सारे जो हैं वो मटकियों के अंदर हैं। और ये क्रस्टेड वाइट की एक मैंने कॉमन की छोड़ी है क्रस्टेड की, ये देखें ये इस मेल के साथ है और एक ये क्रस्टेड का मेल छोड़ा है। फिलहाल इसको कोई फीमेल नहीं मिली, फी दो तीन मेल इसमें एक्स्ट्रा हैं, तो मैंने क्रस्टेड के लिए कि चलो कोई बेबी जो है म्यूटेशन का क्रस्टेड का भी निकल आता है फिर उसके आगे बंदा वर्किंग स्टार्ट कर लेता है। ठीक है जी, तो ये भी है ब्लैक चिक का मेल है और इसके साथ फीमेल अच्छी लगी है, वो भी एग्जीबिशन देखे अंदर, तो ये वाला से तो सारी थी। और होपफुली आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरे चैनल पर आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, मुझे दुआ में याद रखें। होपफुली आपके बर्ड्स अच्छे रहेंगे, और अगर क्वेश्चन भी है तो कमेंट्स में आप दे सकते हैं मुझे। अपना ख्याल रखें, माँ बाप का ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।